अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमैरा। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खीमे के रोल। ये बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हम लोग हमारे तरीके से बनाते हैं, मेरे घर में बहुत पसंद है ये रोल। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए फ्रेंड्स, खीमे के रोल बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है हम देखते हैं। खीमा रोल बनाने के लिए मैंने खीमा लिया है फ्रेंड्स, 300 ग्राम मैंने खीमा लिया है। इसको अच्छे से बारीक कर लिया है फ्रेंड्स। मैंने ये वेजिटेबल्स ले लिए है फ्रेंड्स। मैंने कोबिज कट कर लिए है फ्रेंड्स, पतली पतली कट किए, थोड़ी ही लिए। थोड़ा गाजर लिया है और थोड़ी सी प्याज कट करके लिए। और ये मिर्ची का पेस्ट बना के लिया है फ्रेंड्स, ये आधा चम्मच उतना है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है फ्रेंड्स, ये एक चम्मच लिया है फ्रेंड्स मैंने। ये हमारे सारे मसाले हैं फ्रेंड्स। मैंने नमक ले लिया है फ्रेंड्स, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाले का पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है। और ये थोड़ा सा कोथमीर पुदीना मिक्स है फ्रेंड्स, ये हमें बाद में यूज़ होगा। तो ये हमारी फिलिंग हो गई। और स्प्रिंग रोल शीट बनाने के लिए फ्रेंड्स, उसके जो शीट हो गए रोल के जो शीट हो गए, उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है फ्रेंड्स, एक बाउल उतना मैदा ले लिया है फ्रेंड्स मैंने। ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया है फ्रेंड्स और ये नमक ले लिया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी फिलिंग है फ्रेंड्स खीमे की, हम लोग पहले उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर हम बाद में और इसके लिए शीट के लिए जो हमारा आटा गूंद देंगे फ्रेंड्स। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं कुकर ले लूँगी। इसमें मैंने खीमा ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी, ये जो सारे हमारे मसाले हैं फ्रेंड्स, ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो हमारी ऑनियन है ना फ्रेंड्स, इसमें से सिर्फ थोड़ी सी ऑनियन हमें क्या करनी है, इसमें ऐड कर दी, थोड़ी सी, थोड़ी बाद में हम फ्राई के लिए रखने वाले, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसे अच्छे से मिक्स, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स नहीं करोगे तो जो स्पाइसेस का टेस्ट है ना, वो पूरे खीमे में नहीं मिक्स होगा, ठीक है। अब मैंने ये मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स, इसको अभी हम इसका ढक्कन लगा देंगे फ्रेंड्स। और इसके सिर्फ एक चार विसल्स लेने हैं फ्रेंड्स और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। बिस्मिल्लाह, चलिए इसको रखते हैं हम गैस के ऊपर। तो चार विसल होने के बाद इसको बंद कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा खीमा रेडी होता है तब तक हम क्या करते हैं, हमारे शीट के रोल के शीट के लिए आटा गूंद लेते हैं। मैंने आटा ले लिया है फ्रेंड्स, इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी और नमक, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने इसके पहले के वीडियो में भी दिखाया है आपको कि आटा कैसे गूंदना है शीट के लिए। ये भी सेम प्रोसीजर होगा फ्रेंड्स, ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है ना ज़्यादा कड़क गूंदना है, मीडियम गूंदना है फ्रेंड्स। चलिए हम पहले हमारा आटा जो है पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा फ्रेंड्स तो हमारे स्प्रिंग रोल जो रोल है, सॉरी बार बार स्प्रिंग रोल बोल रही हूँ, जो हमारे रोल है वो अच्छे से बनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अभी इसे ऐसे ही हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे कुकर के 4 से 5 सीटी भी हो गए, मैंने कुकर भी बंद कर दिया है, इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 4 से 5 सीटी के बाद हमारा खीमा जो है गल चुका है।
अब हमें क्या करने का इस करना है, इसका जो पानी है ना फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमें सुखा लेना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, पूरा ड्राई होना चाहिए हमारा खीमा। तो चलिए इसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से सुखा कर ले लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, तो इसे हम अभी अच्छे से पूरी तरह से ड्राई कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा खीमा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। तो चलिए इसका अगला प्रोसीजर करते हैं। अभी हम लोग ये खीमे का जो कुकर है वो मैं गैस से उतार के यहाँ पे कढ़ाई रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम मैंने फास्ट ही रखा है, ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा तेल गर्म होने देना है फ्रेंड्स हमें। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो ये जो सारे हमारे वेजीज है ना फ्रेंड्स, ये हमें उसमें ऐड कर देने हैं। तो देखिए तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है, ये सारे एक साथ ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है, फास्ट पे ही फ्लेम रखना है फ्रेंड्स हमें, फ्लेम लो नहीं करना है फ्रेंड्स। और इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करके लेना है फ्रेंड्स, एक दो मिनट के लिए सिर्फ। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारे सॉटे हो चुके हैं वेजिस, इसमें हम थोड़ा सा मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे जो हमने निकाला था। आप इसका तीखापन आपके हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से थोड़ा स्मेल जाने तक इसको फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। ये बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरा जो मिर्ची का पेस्ट का स्मेल है वो चले गया है, अभी पूरा खीमा जो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो रखिएगा, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स हम लोग। बस एक से दो मिनट के लिए भूनना है फ्रेंड्स, और फिर हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक से दो मिनट हो चुके हैं, अब गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है फ्रेंड्स, और इसे अभी ठंडा होने के लिए रख देना है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बैटर ठंडा हो चुका है, मेरी नमाज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो कोथमीर पुदीना है ये इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये बहुत सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, पर बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखिए ये हमारा फिलिंग का बैटर रेडी है। मैंने मैदे का आटा ले लिया है फ्रेंड्स, मैंने ये लाई ले ली है क्योंकि स्टिकिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। कुछ ने पानी में आटा मिक्स किया है, और ये आप देख सकते हैं मेरा आटे का डो आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने थोड़ा सा ले लिया है आटा फ्रेंड्स, अब इसके पहले तो मैं थोड़े से पेड़े बना लूँगी फ्रेंड्स सेम साइज के, ठीक है। देखिए इससे हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है,
और हम अभी जो है एक एक बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैंने इसे गोल कर लिया है, अब इसे मैं बेल लूँगी फ्रेंड्स नॉर्मल, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, इसे नॉर्मल गोल बेल कर लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है बिकॉज फिर उसमें क्रंचीनेस नहीं आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इतने साइज की बेल ली है अपनी, ये जो रोटी है साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जैसे चाहिए आप वैसे इसको बेल सकते हो, बड़ा छोटा, पर मैं छोटे प्रिफर करती हूँ बिकॉज अच्छे होते खाने के लिए थोड़ा छोटे होंगे तो। बिस्मिल्लाह, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारी फिलिंग ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। आप चाहो तो बाहर की भी शीट्स यूज़ कर सकते हो, बट अगर हम घर में बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं, थोड़ा टाइम लगता है बट आप इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको पहले हम क्या करेंगे, ये साइड से ना इसको लाई ला, हम लोग लाई बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। ये लाई मैंने लगा दी, इसको यहाँ से टर्न ठीक है, फिर ये वाला टर्न, ओके फ्रेंड्स। अब हम ये इसको लाई वापस लगा देंगे। तो देखिए ये हमने आहिस्ता से टर्न कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा रोल रोल बिल्कुल रेडी है खेमे का फ्रेंड्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारे सारे जो रोल है वो रेडी कर लेंगे। मैं पहले पूरे रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर तलने के लिए करती हूँ। और आप जब भी रेडी करोगे, जो भी प्लेट में आप रखोगे, ऐसे थोड़ा सा जो आटा है वो स्प्रिंकल कर देना फ्रेंड्स, बिकॉज आप अगर डायरेक्ट रखोगे और थोड़े देर के बाद उसको निकालोगे फ्राई करने के लिए तो सब चिपक जाएंगे फ्रेंड्स और आपके सारे रोल जो है वो टूट जाएंगे। तो ऐसे पूरा हमें आटा लगा देना है और इस पर इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरे हमारे स्प्रेड कर लेंगे। चलो तो चलिए पूरे बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये कबाब मेरे बनकर रेडी है। मैंने ऑयल जो है गर्म के लिए रख दिया था फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये कितने आसानी से निकलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आप नीचे आटा नहीं लगाओगे ना तो वो स्टिक हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बिस्मिल्लाह, तेल में हम छोड़ देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, रोल, कीमा रोल मैंने गलती से कबाब बोल दिया। तो चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारे जो रोल है वो फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। वैसे हमारे अंदर की फिलिंग तो अच्छी तरह से कुक है, सिर्फ ऊपर का जो कवर है इसका कुक करना है। तो चलिए हम हमारे जो रोल है वो कुक कर लेते, फ्राई कर लेते। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से हम हमारे सारे रोल जो है वो फ्राई कर लेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे खीमा रोल बनकर एकदम रेडी है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कितने यम्मी दिख रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी बना के आपके सामने ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।